हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री का, देखते हैं इसको। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। देखिए आपको गिवन क्या है, हमको गिवन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक बात आई से देखे कि यार मैं ये जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है जब मेरा ये थीटा सेम हो, प्लस अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये भी 2 है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है तो 2 आ जाएगी वैल्यू। समझ में आ रही बात, मतलब अगर ये दोनों आपके कोफिशिएंट सेम है तो आप कॉमन लेकर इस तरह से भी इसको 1 × 2 कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर है 3, यहाँ पर तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया, मैंने इसे लिख लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ था ही। ठीक है, तो मैं देखिए इनमें 3 कॉमन आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यस और नो? और ये आपके पास है ही 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर है वाली बात? अभी देखिए ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो 3 माइनस का हो जाएगा तो यहाँ ओनली 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब अगर स्क्वायर डालना रूट लेना पड़ेगा तो जब मैं रूट लूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान रखिए थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। क्लियर वाली बात, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपके पास थीटा मिल गया 30 डिग्री, आपके पास टेन थीटा पूछा है, यहाँ उठा के रख दीजिए तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए टेन 30 होता है 1/√3। क्लियर है वाली बात? तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2।